मैंने खाना खा लिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं पापा का बेटा हूँ ना। अच्छा माँ, दी को फोन देना। बहुत रात हो गई है, तू सो जा, हम कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। और हाँ, मम्मा पापा से कहना मेरा टेंशन बिल्कुल ना ले। आई मिस यू ऑल, गुड नाइट, बाय। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिया की कहानी लेकर आए हैं। रोज की तरह प्रिया अपने कमरे में सो रही थी, अचानक एक आहट होती है, उसके चेहरे पर टॉर्च लाइट पड़ती है और कोई उसके कमरे में दाखिल होता है। यूं आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल में कौन आ सकता है और प्रिया के साथ उसका क्या रिश्ता था, कोई रिश्ता था भी या नहीं? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस शख्स का मकसद क्या था और प्रिया की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला था। क्या प्रिया किसी साजिश का शिकार होने वाली थी या किसी साजिश में शामिल थी? ऐसे कई सवाल उठ रहे थे, आइए देखते हैं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। फिर आप रोना बंद कीजिए, नहीं तो मैं भी रो दूंगी। कॉलेज ही तो जा रही हूँ ना, घर छोड़कर थोड़ी ना जा रही हूँ। बेटा, मैं तो चाहती हूँ तू जिंदगी में बहुत कुछ करे। आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तुझे बीटेक में एडमिशन मिल गया है। खुश है ना? फिर रोना बंद कीजिए। अरे अब तुम दोनों अपना इमोशनल ड्रामा बंद करोगी? चलो गाड़ी खड़ी है। अब बिल्कुल रोना नहीं है, छुट्टी मिलते ही मैं आ जाऊंगी। देखिए बार बार आप वही बात पूछिएगा, मैं बार बार वही जवाब दूंगा। रूम फुल है और वैसे भी आप लेट हैं। सर आप फिर चेक कीजिए ना, आप कहीं तो एडजस्ट कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो प्रिया सीनियर के साथ एडजस्ट कर सकती है। प्रिया बेटा, क्या तुम एडजस्ट कर लोगी? ठीक है पापा, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, पर अब बाद में तो उसे शिफ्ट कर देंगे ना? ऑफ कोर्स, जैसे ही यहाँ कुछ एडजस्टमेंट होता है मैं प्रिया को इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। ये प्रीति है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट। बताओ, मतलब नमस्ते। देखिए मुझे पता नहीं है ठीक है या नहीं, पर आप सीनियर है और ये जूनियर, तो आई वाज लिटिल वरीड। डोंट वरी, सेफ रहेगी। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सिस्टर समझो। ओके, शुरू में थोड़ा थोड़ा अलग लगता है लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और लखानी सर है ना, अभी आप लोग जाइए, मैं उसे रूम में लेके जाती हूँ। चलो प्रिया, ध्यान रखना अपना और कॉल करना। बेटा कोई भी तकलीफ हो बताना जरूर, ठीक है? जी पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। आई मिस यू गाइस। हाय, प्रिया, आई एम योर रूममेट।
और ये है मैं शिवानी गोखले रूम 007 नेक्स्ट रूम पर पाई हमेशा यहीं जाती हूँ। कम ना अपना ही रूम है। अरे वाह तू तो बड़ी हॉट लग रही है यहाँ क्या कर रही है? वो मैं व्हाट जी वो स्मॉल टाउन बेब बहुत फास्ट होती हैं। बॉयफ्रेंड है मतलब मतलब क्या है ना सब कुछ यू अंडरस्टैंड ना सब कुछ नहीं तो हम समझा दे उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं यहाँ कुछ समझने समझाने नहीं आई हूँ। ओके गाइस जस्ट स्टॉप जाओ अपने रूम में जाओ। नॉट फेयर हाँ प्रीति बाय बाय बेबी जी। अरे और जी जी अरे ये पूछ रहे हैं इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रहे हैं? मॉर्निंग वॉक करनी है तो यहीं कर ले। कॉलेज जा रहे हैं हम। मॉर्निंग वॉक नहीं क्लास। अरे यहीं रुक जा वैसे भी तुझ जैसी हॉटी के लिए नहीं है कॉलेज। क्यों सवेरे सवेरे बेचारी को तंग कर रहे हो? प्रिया जाओ तुम। सुनकर और लेट कर समझ में आ ही जाएगा इसे। Hi, myself Piyush, Section D, और आप? Section B. Myself Piyush. Okay. आपका नाम ओके है क्या? I mean, what's your name? Priya. सेक्शन बी। वैसे प्रेशर तो मैं भी हूँ लेकिन थोड़ी सी सेटिंग है। जी मतलब आपको कुछ भी चाहिए हो बुक्स वगैरह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक्स। एक्चुअली अभी मुझे लेट हो रहा है हम बाद में मिलते हैं प्लीज। हाँ रोज मिलते हैं मतलब कल मिलते हैं। बाय बाय। ये सब क्या हो रहा है? धुआं धुआंदार पार्टी। आजा तू भी ट्राई कर ले। मैं ये सब नहीं करती हूँ और प्लीज आप लोग भी बंद कीजिए। ओके तो क्या करती है वो करे। बेबी इनहेल फन देन डील इज डन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे रूम में ये सब हो। प्लीज बंद कीजिए। क्या ओ या ये yeah, yeah, yeah. इसका रूम सही तो कह रही है और इसके रूम में हम ये सब कर रहे हैं। सुन जूनियर है जूनियर बन के रहे वरना इनर वेयर धुलवाएंगे तुझसे समझी। अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वेट 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 प्रिया तुम मेरे साथ चलो ठीक है। वी विल जस्ट बी बैक। प्रिया कम। प्रिया तू कर क्या रही है? सीनियर्स है पंगा क्यों ले रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? तो क्या 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 फर्क पड़ता है मैं हूं ना। अच्छा तू रिलैक्स कर तू ये काम लेते चल। आज की जेनरेशन स्टेटस सिंबल और शो ऑफ के नाम पर कई गंदी आदतों की शिकार बन जाती है। चाहे अनचाहे गंदी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है। हिंदुस्तान में ड्रग अब्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे
इसका सीधा निशाना बन जाते हैं। लेकिन प्रिया उनमें से नहीं थी जो ड्रग्स जैसी बुरी आदत को अपनाए, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये सब उसके लिए बहुत नया था, बहुत अजीब था। वहीं अब प्रीति, शिवानी और रॉक्सी की सच्चाई प्रिया के सामने थी, तो क्या प्रिया अब आने वाली किसी अनहोनी का शिकार होने वाली थी? आखिर इस सब से प्रिया अपने आप को कैसे बचा पाएगी? हेलो। हाँ प्रिया। हम आप कैसी है आप? अरे हम तो ठीक है, तुम कैसी हो? हम भी बिल्कुल ठीक है। और दी? हम दे रहे हैं अप्पू को बोन। ले प्रिया से बात कर। हेलो प्रिया, कैसी हो? कॉलेज में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं दी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनफैक्ट बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, बस आपको बहुत मिस करती हूँ। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारे बिना है ना यहाँ सब कुछ बोरिंग लगता है। कोई नहीं, ये सेमेस्टर खत्म होते ही मैं घर आऊंगी ना, उसके बाद हम दोनों मिलके एंजॉय करेंगे। दीप, अभी मैं रखती हूँ, पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको बाद में फोन करूं? ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। ओके दी, बाय। इतनी देर क्यों? वो घर से फोन आया था। फोन। So must be doing phone fun, huh? से मम्मी का फोन आया था। सच अ बोर। रॉक्सी, जस्ट ज़िप इट। अच्छा सुन, तू जल्दी से रेडी हो जा, हम लोग बाहर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। तू भी चल। कल कॉलेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ। ये सब करने के लिए आई हो कॉलेज में? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारे साथ प्रेशर है। अरे क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। व्हाट सॉरी? अभी अथॉरिटी से कंप्लेंट कर दूं तो तुम सब के सब 2 मिनट में हॉस्टल से बाहर हो जाओगे। प्लीज सर, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर, प्रॉमिस सर। अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने वाला हूँ, अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सॉरी सर। सर एक लास्ट चांस दे दीजिए। सर एक लास्ट चांस प्लीज सर, नहीं होगा आगे सर। ओके, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे एक भी हिंट मिला तो तुम सब के सब को बाहर निकाल दूंगा।
जाओ यहां से। बॉर्डन से हमारी कंप्लेंट करेगी, एंजॉयमेंट खराब करेगी हमारा। अब तू देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया। अच्छा, कोई कंप्लेंट नहीं किया? एक सेकंड, प्रिया, अपना भला चाहती हो ना तो अपना ये मुंह बंद रखो। किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? हाय, क्या हुआ? ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? सो फिर क्या लोगी? चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सैंडविच? ए राजू, रहने दीजिए, मुझे कुछ भी खाने का या पीने का मन नहीं है। एक्चुअली मैं वो, देखिए मैं कहना चाहता था, यू नो फिजिक्स में एक लॉ है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। लॉ? मतलब लाइक केमिस्ट्री में, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, यू नो केमिस्ट्री का लॉ है कि यू नो केमिस्ट्री आप में, मुझ में, हमारे। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली प्रिया, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हे, व्हाट हैपेंड यार? प्रिया, क्या हुआ? I'm really sorry to say, मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रिया, I'm sorry, I can't. प्रिया, मैं, प्रिया, please मेरी बात तो सुनो, प्रिया। Hey babe, tell me, how's this looking? अरे वाह, तू तो बड़ी पटाखी लग रही है। मेरा ये हाल होगा तो बॉयज का क्या हाल होगा? Really? Really? So, come on, come on. Stop, Roxy. सर क्यों इतना भारी हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? प्रिया, मेरी बात तो सुनो। देखो प्लीज, मुझे जाने दो। जाने दो? पर क्यों? प्रिया, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, दीदी के सपनों को साकार करना चाहती हूँ। प्लीज, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए।
लेकिन प्रिया मैं डिस्ट्रैक्शन थोड़ी हूँ, मैं जानता हूँ यू लाइक मी टू, है ना? प्रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्रिया प्लीज तुम बाहर जाओ, प्लीज मुझे कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज प्लीज बाहर जाओ, प्लीज प्रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज बाहर जाओ, प्लीज कोई आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज एक चांस तो दो मुझे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज यहाँ से बाहर जाओ। कोई नहीं देखेगा मैं यहाँ, हाँ कौन है? एक बार तो अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया होता, अगर उन्हें पता चल जाए कि तुमने ऐसा किया तो उन्हें कैसा फील होगा, सोचा है तुमने कभी? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सच बोल रही है सर, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही पीछे पीछे चला गया। एक तो बेशर्मी और ऊपर से झूठ बोल रही हो, तुम्हारी सारी करतूतों का वीडियो बनाया है किसी ने, क्या है ये सब? मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो 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 क्या है सब। सर मैं ये नहीं हूं, अब ये रोना धोना बंद करो। एक तो तुम फ्रेशर और ऊपर से लड़की, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं, सुधर जाओ। एक तरफ जहां अपर्णा प्रिया के लिए खुश थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिया की जिंदगी एक बुरा सपना बन चुकी थी। प्रीति शिवानी और रॉक्सी की सच्चाई उसके सामने थी, वहीं दूसरी तरफ पीयूष का उसकी तरफ आकर्षित होना भी कई मामलों में संदेहजनक था। एक ओर जहां पीयूष उससे प्यार करने का दावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोई प्रिया की अश्लील तस्वीरें खींच रहा था। बात तब हद से आगे बढ़ जाती है जब प्रिया का आपत्तिजनक वीडियो शूट किया जाता है और वार्डन को भेज दिया जाता है। वार्डन का पूरा शक पीयूष पर था, तो क्या वार्डन का शक सही था, क्या यह किसी और की साजिश थी? प्रिया सदमे में थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने घर वालों से क्यों छुपाया था? हाँ हेलो। अरे क्या हुआ, कब से फोन कर रही हूँ, क्यों फोन नहीं उठा रही है? वो कॉलेज के कुछ, हाँ हाँ पता है, क्लास में होगी, पढ़ाई कर रही होगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, है ना, बस हमेशा एक नया बहाना। क्या तू भूल गई अपनी दीदी को? कुछ नहीं, बस पढ़ाई की थोड़ी प्रेशर है इसलिए। चलो दीप, मैं बाद में बात करती हूँ, हाँ बाय। बाय प्रिया। आओ, तुम तो एक्टर निकले यार, एक तरफ तो सती सावित्री और दूसरी तरफ, वाह भाई वाह, अपनी दीदी के ड्रीम्स पूरे करने के लिए आई थी ना तुम, ऐसे ड्रीम्स हैं तुम्हारी दीदी के? हाँ समझ ही नहीं पाया मैं तुम्हें, अब कुछ बोलोगी? हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा डीवीडी वाला यार याद कर रहा होगा तुम्हें। क्लास में अरुण का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको। हाँ और तुम उसके बारे में? प्लीज प्लीज प्लीज, वो वहाँ वहाँ क्या हुआ, तू चल तो सही। अरे लेकिन बता तो, हुआ क्या? वो हॉस्टल में। हॉस्टल में क्या?
रिश्ता लखानी, क्या कहना चाहेंगे आप? हैरानी तो मुझे भी हो रही है सर। प्रिया बहुत अच्छी लड़की थी, पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से वो अजीब बिहेव कर रही थी। मतलब? जी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रिया और लड़कियों की तरह नहीं थी, और मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तुमने उनके घर वालों को खबर की? जी मैं अभी करने वाला हूँ। Yes, sir. वो तुम्हारी रूममेट थी, क्यों किया उसने ऐसा? पता नहीं सर, मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ी टेंस थी वो। पढ़ाई को लेकर? यस सर, शायद उसे थोड़ा टफ लग रहा था। मैंने ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। वो क्या है सर, थोड़ी सीनियर जूनियर की डिस्टेंस मेंटेन करती थी मैं। प्रिया की जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा था, और इस बीच अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया ने सुसाइड कमिट किया है। तो क्या प्रिया के लिए उसकी जिंदगी, उसकी बहन की उम्मीदें इतनी छोटी हो गई थी कि उसने ऐसा कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि प्रिया के परिवार वाले इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अप्पू को बोल दो कि घर छोड़कर चली जाए, बहुत हो चुका, अब कितना सहेंगे हम? अरे ऐसे कैसे उसको बोल दो कि वो घर छोड़कर चली जाए? अरे तो क्या उसको नोटिस दें कि घर छोड़कर चली जाए? अरे अपनी बेटी को नोटिस देने पड़ेगा। अरे हाँ, देना पड़ेगा उसको, बोलो चली जाए यहाँ से। अरे आप ऐसा मत करो। क्या हुआ पापा, कोई गलती हो गई मुझसे? अप्पू तू इस घर में नहीं रह सकती, चली जाए यहाँ से। फिर पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों माँ? अरे पगली, तेरे लिए रिश्ता आया है। क्या माँ, आप लोग भी कैसा मजाक कर लेते हैं। बेटा खानदान बहुत ही अच्छा है, लड़का तो बहुत ही बढ़िया है, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने तेरी फोटो देख ली है, लड़का तुझे मिलना चाहता है। अरे प्रिया को फोन लगाओ ना, उसको भी तो पता चले कि उसको कितनी खुशी होगी। लगाओ ना। देखना प्रिया का ही फोन होगा, कितना खुश होगी ये जानकर। हेलो जी, अरे क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? देखो क्या हुआ पापा? किसका फोन है? आपकी तबीयत को क्या हो गया? हेलो क्या पापा? क्या हुआ था उससे? तुम्हें कुछ तो पता होगा, वो कुछ भी कर सकती है, सुसाइड नहीं कर सकती। आप हमारी सिस्टर जैसी हो, हमें सच में नहीं पता, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे तुम सब उसके साथ रहती थी, तुम्हें कुछ तो पता होगा, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ कुछ अजीब सा बिहेव जरूर करती थी, कुछ बताती नहीं थी दीदी। त्यागी की फाइल हेड ऑफिस पर था, और वो डकैती का क्या हुआ? सर प्लीज सुनिए ना सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक सुसाइड था? देखिए आप समझ नहीं रही हैं, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमने इंक्वायरी की है, वहाँ ना तो कोई ऐसी बात और ना ही कोई सबूत मिला है जिससे किसी पर शक किया जा सके। सर वहाँ पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं, समझे आप? चलो गुप्ता। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगी। Thank you.
मैं अपर्णा हूँ, प्रिया की सिस्टर। नमस्ते। आप तो जानते ही होंगे उस रात क्या हुआ था। देखिए आप तो उसके दोस्त थे, प्लीज मेरी मदद करिए। पुलिस कहती है कि ये एक सुसाइड है, पर मैं जानती हूँ मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्लीज देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज मेरी हेल्प करिए। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरी माँ सदमे में है और मैं यहाँ हूँ। प्लीज दीदी, प्रिया बहुत अच्छी लड़की थी एंड आई हैड सम फीलिंग्स फॉर हर, लेकिन कोई एक ऐसी बात थी जो मुझसे छुपा रही थी। मैंने बहुत जानने की कोशिश की लेकिन, और एक दिन वार्डन ने हमें एक सीडी दिखाई। ये सच है। देखिए, मैंने वो सीडी देखने के बाद उसे वर्न कर दिया था। मैंने हायर ऑथोरिटीज और पुलिस वाले को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल था। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रिया ऐसी लड़की थी ही नहीं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस सीडी में प्रिया के साथ यही लड़का था। सर ये सच नहीं है। सर मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, सर मैं प्रिया के लिए सीरियस था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा। सर मैं वो सीडी देखना चाहती हूँ। ओके। सर स्टॉप, देखिए इसके शोल्डर पे टैटू है और मेरी बॉडी पे कोई टैटू नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी। तुम वो लड़के नहीं हो तो ये लड़का है कौन? अगर सच जानना है तो हमें पता लगाना होगा कि ये लड़का कौन है प्रिया के साथ। देखिए, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता था। मैं नहीं जानता कि मैं आपकी कोई मदद कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन सच मैं भी जानना चाहता हूँ। अपर्णा को पूरा विश्वास था कि प्रिया कभी ऐसा फैसला नहीं ले सकती। वो एक समझदार लड़की थी। पुलिस के केस बंद करने के बावजूद अपर्णा ने हार नहीं मानी तो उसने सच का पता लगाने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सबके सामने था। पीयूष के दोबारा सीडी देखने पर यह बात साफ हो चुकी थी कि उस रात प्रिया के साथ कोई और लड़का था। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो कौन था और प्रिया के साथ उसका क्या रिश्ता था, या फिर क्या प्रिया किसी ऐसी साजिश का शिकार हो चुकी थी जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। सर स्टॉप, सर देखिए, ये जो भी लड़का है इसके कंधे पे टैटू है। सर मैंने वार्डन को भी यही बोला था, मेरे कंधे पे कोई टैटू नहीं है। सर गुप्ता। यस सर। ये टैटू वाले का पता करो। Excuse me, sir. आपने ये टैटू किसी लड़के की बाजू पे देखा है क्या? अरे हाँ, ये लड़का तो रूम नंबर 7 में रहता है। रूम नंबर 7? या। अरे शो। बोल बेटा, बोल जल्दी बोल। तेरा प्रिया क्या चक्कर था? सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर, सर प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। जल्दी बोल। सर मैं तो प्रिया को जानता भी नहीं था। अच्छा बेटा, जानता भी नहीं था और तेरी फिल्म ऐसी बन गई? जल्दी बोल। सर प्लीज तो नहीं। सर मैं बताता हूँ। सर तो एक्चुअली हम लोग हेलो, ये लो तुम्हारी खुराक, हैश करो। खुराक तुमको मिल गई, अब नशा कहाँ उतारना है तुम अच्छी तरह जानते हो।
आप टेंशन क्यों लेती हैं? खुराक और बिस्तर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे आना कितने बजे? 10 p.m. sharp, same place. Okay, done. Okay. Let's go, girls. खड़े रहना। कोई हमें बता सकता है हमें यहाँ क्यों लाया गया है? पहचाना इसे? नहीं, कौन है ये? भाई देखो जल्दी से बता दो अब जो भी है, नहीं तो ये अपना सब्र खो देगी। हम तीनों को नशे की आदत थी सर, और जब प्रिया हॉस्टल में आई तो हमें लगा कि हम उसे भी नशे की आदत डाल देंगे, लेकिन सर प्रिया बहुत ही ज्यादा सीधी लड़की निकली सर, उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि वो क्यों अथॉरिटीज को जाकर सब कुछ बता सकती है सर, बस उसे ब्लैकमेल करने के लिए हमने उसकी न्यूड पिक्चर्स क्लिक करे। इससे पहले कि हम उसे ब्लैकमेल कर सके, उसने वार्डन को हमारी कंप्लेन कर दी। आधी रात को हॉस्टल बंद करके बाहर और उस पर से बहाना बनाती हूँ? बस फिर हमें तो बस बदला लेना था, इसके लिए हमने अभय को इसमें इन्वॉल्व किया, उसे उसके रूम में भेजा और वो सीडी भी हमने ही बनवाई थी। काम करेगा ना? ऑफ कोर्स करेगा, सब घूमने लगेगा, बेस्ट डेट रह गई है। ओके मिस विक्की पूजा। सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, बट और कुछ नहीं, इसीलिए उसने सुसाइड किया। जी सर। कहानियां तो तुम लोग बहुत अच्छी बना लेते हो, हमें भी पहले लगा कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उसे मार कर पंखे पे लटका गया था। अब सही सही बता दो क्यों मारा उसे? तो प्लीज हमें सच में कुछ नहीं पता सर। सर 15 मिनट दीजिए, सबके सब बोलेंगे। नहीं, तो मैं अभी बताती हूँ, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे, मैं बताती हूँ। सर उस सीडी की वजह से प्रिया बहुत परेशान थी सर। उस रात सच का पता चल गया था सर कि ड्रग्स और पार्टीज के लिए हम लोग बाहर शहर के रिच लोगों को एंटरटेन करते हैं सर। हम डरता कि वो ये सब किसी को बता ना दे तो हम आज इमीडिएटली रूम पर पहुंचे। गलती से भी किसी से मत कहना कि हम लोग पैसों के लिए बाहर लोगों को एंटरटेन करते हैं, समझी तुम? चिल्ड्रन बेब्स, ये किसी को कुछ नहीं कहेगी क्योंकि इसका वीडियो तो वो उनके पास है, कोई इस पे बिलीव ही नहीं करेगा। छोड़ मुझे, मेरे पास भी प्रूफ है। ओ छोड़ो इसे, छोड़ो, आउट, आउट। इस बार इसकी ऐसी हालत करेंगे कि खुद अपनी शक्ल पहचान नहीं पाएगी। रुको इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या करो, प्लीज छोड़ो, क्या करो? गाइस कपड़े उतारो इसके। छोड़ो मेरे कपड़े, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो, आते हैं इसको।
का प्रताप। छोड़ो। क्या किया तूने? ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया हमने? प्रिया, अब हम क्या करेंगे? जेल में सड़ेंगे और क्या? एक लड़की की वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं, सोचने दो। गाइस, आई हैव एन आइडिया। It was just an accident. हम उसे मानना नहीं चाहते थे। ले जाओ। पढ़ना दी। I'm really sorry. मुझे पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने प्रिया को गलत समझा। बहुत अच्छी लड़की थी वो। अपर्णा का शक सही निकला। प्रिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। प्रीति, शिवानी और रॉक्सी को आईपीसी की सेक्शन 120 बी और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही अभय को भी आईपीसी की सेक्शन 120 बी के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। आज हमारे समाज का युवा नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार बनता जा रहा है। नशे का कारोबार करने वालों के लिए आज स्कूल और कॉलेजेस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्रीति, शिवानी और रॉक्सी का इस तरह से अपने जमीर के साथ समझौता कर लेना जितना गलत था, उतना ही गलत था कॉलेज प्रशासन का लापरवाह रवैया। अब प्रिया तो वापस नहीं आने वाली थी, पर अपर्णा को इस बात का संतोष था कि गुनहगार सलाखों के पीछे अपने गुनाह की सजा काट रहे थे। ऐसी उम्र में माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए, उनके साथ दोस्ती जैसा रिश्ता कायम करना चाहिए ताकि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो डरने की बजाय वो आपसे खुलकर बात कर सके और आप वक्त रहते सही कदम उठा सके। क्योंकि एक बार अगर बुरा शौक आदत बन जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनों को खोने का दर्द सिर्फ अपने समझ सकते हैं। अपर्णा ने अपनी बहन प्रिया को खो दिया था, पर वो लड़ी और उसे इंसाफ दिलाया। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।